अस्सलाम वालेकुम, फैज टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कंवल। सबसे पहले हेडलाइंस। कतर अमीरी एयरफोर्स के सरबराह मेजर जनरल सलीम हमाद का दौरा GHQ, आर्मी चीफ से कमांडर कतर अमीरी एयरफोर्स की मुलाकात, बाहमी तालुकात, पेशा वराना दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कतरी कमांडर ने कहा पाकिस्तान के कतर के साथ तालुकात को खुसूसी अहमियत देता है, कतरी अफवाज से दिफाई और सिक्योरिटी तावन को फरोग देना चाहते हैं। कंट्री कमांडर की अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। एहसन इकबाल ने बैनुल सूबाई वजारत के 90% फंड्स नारोवाल में लगा दिए, सियासी पोजीशन मजबूत करने के लिए पूरे मुल्क को फंड से महरूम किया। नायब रावलपिंडी ने एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस दायर कर दिया। एहसन इकबाल का ट्रायल करके नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक सजा की दरख्वास्त। एहतसाब अदालत में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लैंड रेफरेंस की समाअत, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर, लेकिन अदालत ने कह दिया कि ताखीरी हर भी इख्तियार न किए जाएं, गवाह का बयान रिकॉर्ड हो गया, समाअत कल तक मुलतवी। मजार कायद पर नारेबाजी और बेहुरमती का केस, कराची की अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमे खारिज कर दिए, पुलिस ने तफ्तीश में मुकदमे को झूठा और बेबुनियाद करार दिया था। सिंध हाईकोर्ट का बिलावल भुट्टो को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म, अदालत की बिलावल भुट्टो को अवामी मकामात पर भी सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने 2016 में सिक्योरिटी फराहम करने के लिए दरख्वास्त दायर की थी, अदालत ने बिलावल भुट्टो को जाती सिक्योरिटी गार्ड रखने और काले शीशों वाली गाड़ी के इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी। सिंध सेक्रेटरीट के 50 से जायद अफसर और मुलाजमीन को कोरोना हो गया, रीजनल सेक्रेटरी समेत 8 महकमा खजाना के मुलाजमीन में भी तस्दीक, दाखिला समेत मुख्तलिफ महकमों को बंद कर दिया गया। वजीर आला सिंध और मुतादिद वुज़रा अभी कोरोना के बायस आइसोलेशन में हैं। सिटी कोर्ट में पुलिस की गफलत से कोरोना का खौफ फैल गया, पुलिस वायरस के शिकार मुलजिमान को पेशी पर ले आई, अदालत का नाराजगी का इजहार, मुलजिमान को अस्पताल दाखिल करने और पेशी पर लाने वाले पुलिस अफसरान को भी करंटीना का हुक्म दे दिया। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत, एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 30,362 हो गई, 24 घंटों में 2,208 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 37 अफराद जान से गए। अमेरिका ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन देने से इनकार कर दिया, जवाब दिया कि पहले अपनी मकामी जरूरियात पूरी करें। वॉशिंगटन में पाकिस्तानी मिशन ने हुकूमत को अमरीकी रद्द अमल से आगाह कर दिया। चारसद्दा में दहशतगर्दी नाकाम, हमलावर ने डीसी ऑफिस के बाहर फायरिंग की, एफसी एहलकार शहीद हो गया, पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए हमलावर को हलाक कर दिया। और कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को आउट क्लास करके पहली बार पीएसएल का टाइटल अपने नाम कर लिया, कराची किंग्स ने 135 रन का हदफ बआसानी उबूर कर लिया, बाबर आजम ने 63 रन की शानदार और नाकाबिले शिकस्त इनिंग के लिए मैन ऑफ द मैच करार, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज भी नाम किया। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही, मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज।